लेसन नंबर 7। ये आपका है रामायण सिखलाती है, आपकी ये कविता है। सीता को चुराने रावण आया, धरकर रूप साधु का, आ कुटिया पर वो चिल्लाया, मैं भूखा भिक्षा ला। भोली सीता समझ न पाई, दुष्ट ये छल करता है, जो कुछ था कुटिया के अंदर ले आई थाली में रखकर। पर रावण ने सीता को उठाया, राम राम सीता चिल्लाई, पर सहायता कोई मिल न पाई। सीता अब बहुत पछताई, क्यों मैं भिक्षा देने आई, अजनबी कोई जिद पर अड़कर, अगर विवश करता है जबरन, उसकी बातों में ना आना, वरना पड़ सकता है पछताना। रामायण हमें सिखाती है, सच्ची राह दिखाती है। स्टूडेंट आप समझे, ये जो है रामायण है हमें अच्छी अच्छी बातें बताती है। अब आपका आता है लेसन नंबर 7 का, ये आपका आता है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। अब इसमें आपकी बुक में लिखा है रावण रूप बनाकर आया था साधु का या डाकू का, तो आप लिखेंगे टिक लगाएंगे साधु का। अब ख, रावण ने कुटिया पर आकर मांगी भिक्षा या मिठाई, तो आप लिखेंगे इस पे टिक लगाएंगे भिक्षा पे, रावण ने क्या मांगी भिक्षा। अब दावाल आएगा सीता समझ नहीं सकी रावण का छल या बल, तो आएगा छल। अब आप पेश कर लो पेश घ, सीता को चिल्लाने पर सहायता मिली मिली या नहीं, नहीं मिली, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे टिक। अब नीचे आइए आपकी कविता पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आप यहाँ पे ब्लैंक्स है भोली सीता, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है भोली सीता, उसके आगे आप लिखेंगे समझ ना पाई। अब सेकंड लाइन आई है दुष्ट ये छल करता है, आप ये ब्लैंक्स है यहाँ पे लिखेंगे करता है। अब यहाँ पे आया है ब्लैंक्स जो कुछ था, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जो कुछ था कुटिया के अंदर। अब आया यहाँ पे ले गई थाली में रखकर, आपका ये जो ब्लैंक्स है उसमें आप लिखेंगे रखकर। अब नेक्स्ट पेज पे आई, अब इस पे आइए, अब आया है भाषा और व्याकरण वाक्यों में प्रयोग कीजिए, आपका ये वाक्य बना हुआ है राह दिखाना, तो आप क्या लिखेंगे रामायण हमें सही राह सिखाती है या दिखलाती, आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों ही सही है। अब आइए ख, मजबूर करना, आपकी बुक में लिखा है मजबूर करना, तो क्या लिखेंगे रावण ने सीता को कुटिया से बाहर आने पर मजबूर किया। अब ग, रूप धारण करना, रावण ने साधु का रूप धारण किया। समझ में आया ये आपका क्या हो गया वाक्य प्रयोग। जैसे अब आपका आया है छ, आप जो है इसमें फ्री वाले भिक्षा लिखा है शब्द, आप यहाँ पे लिखेंगे रामायण हमें सिखाती है राह सिखाती है। जैसे अब आया है आपके थ्री वाला भिक्षा शब्द में छ संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है, ऐसे पांच शब्द लिखिए जिसमें छ का प्रयोग होता हो। जैसे कक्षा छाया पर रक्षा, छाया भिक्षा छ, शिक्षा भिक्षा क्षत्रिय, आपका ये क्या हो गया संयुक्त व्यंजन, छा आपका क्या है संयुक्त व्यंजन। अब आपका हमने पूरी एक्सरसाइज कर दी है, अब इसमें आता है आपका ब्लैंक्स, वो आप यहाँ पे पूरी तरीके से बुक में करेंगे और ये बुक भी पूरी फिल करेंगे। आपको हमने PDF फाइल जो है आपको हमने भेज दी है, उसमें आप बुक को फिल करेंगे और साथ में आप अपने कॉपी पे भी वर्क करेंगे, तो आप फिर से लिखिए साधु का भिक्षा का छल नहीं मिली, इसमें आपको टिक लगाना है। समझ ना पाई दुष्ट ये छल कुटिया के अंदर ले गई थाली में, ये आपको भरना है लिखना है। रामायण हमें सही राह सिखाती है, रावण ने सीता को कुटिया से बाहर आने पर मजबूर किया, रावण ने साधु का रूप धारण किया। अब आपके आ गया है ये संयुक्त व्यंजन कक्षा रक्षा दीक्षा
इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी